उत्तर प्रदेश के बागपत के बलौनी इलाके में ईंट के भट्टे पर कमरे की छत गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंबल निर्माता ने बताया इसके अंदर एलिमेंट लगा है जिससे गर्मी होती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने अवैध तरीके से हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस मौके पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 80 कारतूस और 22 बने व अर्ध बने तमंचे बरामद हुए हैं। बिहार के गया में एक चाय बेचने वाला अपनी कमाई से असहाय लोगों की मदद करता है। इस मौके पर चाय बनाने वाले ने कहा कि हम पहले गरीबों को मुफ्त में 3 समय का खाना भी खिलाते थे। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 321 दर्ज किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 14,28,672 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 73,06,97,193 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हरियाणा के अम्बाला में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक अम्बाला में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,192 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विश्राम घाट से 2 दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओडिशा की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोरापुट में 2 कथित वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर एक जिंदा पेंगोलिन को बचाया है। पेंगोलिन को कोरापुट के संभागीय वन अधिकारी को सौंप दिया गया है।